हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में तो यहाँ आज हमने जो निफ्टी का टारगेट था 16900 का, वो अचीव कर लिए हैं। निफ्टी बंद हुए लगभग 260 पॉइंट नीचे, लगभग 1.5% का हमने लॉस देखा। यहाँ जो जैसे मैंने कहा था कि ऊपर के लेवल पे सेल करना चाहिए, हमने 300 प्लस के लेवल देखे थे और वहाँ से जो है तो लास्ट आवर में हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा, जिसमें जो है तो लगभग 16850 तक के लो देखा था हमने। लो था लगभग 16840 के करीब लो देखा और वहाँ से रिकवर होके थोड़ा सा 16970 पे ये फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है। और ये जो 16900 का टारगेट था ये अचीव हो चुका है। अभी निचले तरफ जो नेक्स्ट टारगेट बचता है वो 16600 का है। मुझे लगता है वो भी हमें शायद इस हफ्ते देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये सेलिंग चालू है हमें जो है तो नीचे के अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे अभी देखोगे तो अब हम 3% नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 550 पॉइंट फॉर द वीक। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो तो यहाँ जो है तो आज हमने लगभग 1.5% का यहाँ फॉल देखा, और यहाँ जो है तो अब हम निफ्टी खड़ा है लगभग 200 डेज के एवरेज की तरफ। अगर ये टूट जाता है, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये टूट जाता है एक बड़ी सी कैंडल के साथ तो हम फिर से जो है तो एक डाउन ट्रेंड में चले जा सकते हैं, और उसमें जो है तो एक निफ्टी में अच्छे खासे नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही क्रिटिकल होगा कि हम जो है तो 16800 का लेवल जो है तो क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ते हैं नहीं, और वो भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। अगर ये जो है तो एक फुल कैंडल के साथ हम ये लेवल तोड़ देते हैं तो हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो इन्वेस्टर है उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा, और हमें शायद जो पिछला लो था वो तो टेस्ट करेंगे ही, हम उसके नीचे भी जा सकता है निफ्टी। तो यहाँ कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरह से प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न है उसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है। और यहाँ जो है तो हम निचले लेवल जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टेस्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हम जो है तो पूरे जो प्योर लेवल से उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सुपर बेयरिश फिनोमेना है। और यहाँ जो है तो हम एक के बाद एक लेवल जो है तो टेस्ट करते जा रहे हैं। तो 16900 का टारगेट अचीव करने के बाद अभी जो है तो 16600 का टारगेट यहाँ निफ्टी के लिए ओपन है, और यहाँ अगर हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट होगा 16600, और उसके बाद में जो है तो अगर आप देखोगे यहाँ तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है लगभग 16200 के करीब। तो 16600 और 16200 ये जो है तो ये शायद इस सीरीज के लिए टारगेट हो सकते हैं अगर हम ब्रेकडाउन देखते हैं तो। और अगर ये ब्रेकडाउन आया तो एक ही दिन में आपको हो सकता है कि 16200 के भी टारगेट देखने को मिल जाए पैनिक सेलिंग पे। तो यहाँ मेरा जो कंजर्वेटिव मैं मोस्टली अभी भी बेरिश हूँ, या छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट जा सकते हो। यहाँ जो है तो ऊपर की तरफ आपको स्टॉप लॉस रखना है लगभग 17150 के ऊपर, और आपको 17000 के अराउंड अगर बाउंस बैक में निफ्टी मिलता है तो मैं फिर से सेलिंग करना चाहूँगा। मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16600 का। ये जो है तो ये कॉन्ट्रा कॉल है और ये ओवरसोल्ड रीजन में, मगर मुझे जिस तरह से मोमेंटम बिल्डअप हुआ है मुझे लगता है कि हम जो है तो मोस्टली नीचे ही जाने वाले हैं, तो इसलिए आई विल टेक दैट चांस। और स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, ये ट्रेड मैं इंट्राडे में ही करूँगा, आई विल नॉट कैरी दिस ट्रेड। और अगर मुझे कैरी भी करनी है तो फिर मैं ऑप्शन में ही करूँगा, ना कि फ्यूचर में। तो यहाँ जो है तो मोस्टली हम नीचे के ही टारगेट आने वाले दिनों में देख सकते हैं, और हो सकता है कि 16200 और 16600 के टारगेट, पहले 16600 और उसके बाद में 16200 के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो आप जो है तो इन द मनी, मैंने जैसे कहा था आप इन द मनी पुट ऑप्शन पे फोकस कीजिए। अगर 17000 के अराउंड आता है निफ्टी तो आपको 17000 या फिर 17100 का जो पुट ऑप्शन है उस पर फोकस करना है, और उस पर आपको जो है तो लगभग 2x to 3x गेन देखने को मिल सकते हैं। अगर मोमेंटम बिल्डअप हुआ और निफ्टी जो है तो 16200 तक आया तो उस ऑप्शन में आपको जो है तो अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, जिस तरह से आज मुनाफा हुआ है। जिन्होंने भी पुट ऑप्शन लिया होगा आज इन द मनी या फिर फ्यूचर शॉर्ट किया होगा उन्हें जो है तो लास्ट आवर में ही उनका जैकपॉट लग गया था, और यहाँ जो है तो पर लॉट आपको लगभग 20000 रुपये प्लस का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद है मेरे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.